जम्मू कश्मीर के पूर्वी लद्दाख सेक्टर में आज सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। कश्मीर में लगातार हिंसा की घटनाओं के बीच फैली अशांति की जांच में जुटी एनआईए की टीम ने करीब 117 संदिग्धों की पहचान की है। एनआईए पिछले 6 महीने से कश्मीर में होने वाली हिंसक घटनाओं में पत्थरबाजों की पहचान कर रही है। एनआईए ने अब तक 117 संदिग्धों की पहचान कर ली है जो घाटी में अशांति फैलाने में लगे हुए हैं। जगानू स्थिति सेना की 3 एडवांस वर्कशॉप में तैनात सेना के 2 जवानों की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। जिला अस्पताल में शवों को पोस्टमार्टम करवाने के बाद सैन्य अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में उड़ी जैसे बड़े हमलों को अंजाम देने की फिराक में है। इस तरह की खुफिया सूचना के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है। पिछले साल 18 सितंबर को बारामूला जिले के उड़ी स्थित आर्मी कैंप पर 4 आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें 19 सैनिक शहीद हो गए थे। इसी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था तथा जवाब में भारतीय सेना ने सीमा पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हमलावर कारोबार और आतंकवाद तथा अलगाववादियों गतिविधियों के वित्त पोषण के कथित तौर पर शामिल कारोबारियों के कश्मीर और दिल्ली में 16 ठिकानों की आज तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए के अधिकारियों ने आज सुबह श्रीनगर और उत्तरी कश्मीर में विभिन्न हिस्सों में कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे और संदिग्ध स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। एनआईए अधिकारियों ने पुरानी दिल्ली में 5 व्यापारियों के ठिकानों पर भी छापे मारे। ये छापेमारी उस समय की गई जब एक दिन पहले एनआईए ने 2 लोगों की गिरफ्तारी किया जिनमें एक स्वतंत्र फोटो पत्रकार भी शामिल है जो पथराव करने और सोशल मीडिया के जरिए सुरक्षा बलों के खिलाफ समर्थन जुटाने में कथित तौर पर शामिल था। विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के शहर जम्मू में पिछले कई दिनों से आयोजित किया जा रहा गणेश महोत्सव मंगलवार को मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। इस बार भी समारोह को परेड ग्राउंड की बजाय श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर जम्मू में आयोजित किया गया। शोभा यात्रा में गणपति बप्पा मोरिया के गगनभेदी जय घोषों के साथ वातावरण की पूरी धर्म हो गया। मंगलवार को भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को अखनूर स्थिति चिनाब दरिया में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के बाद दोपहर को विसर्जन कर दिया गया। POKDP रिफ्यूज फ्रंट के एक मुश्यक सेटलमेंट के तहत राशि की अदायगी की मांग को लेकर आज सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर 1947, 1965 व 1971 के रिफ्यूजियों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने रिफ्यूजियों के लिए राहत राशि जारी की थी लेकिन केवल 52 करोड़ रुपए कुछ चहेते 96 DP परिवार को वितरित किए गए जबकि अन्य विस्थापित परिवारों को औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश थमा दिए गए। फ्रंट के चेयरमैन रचपाल सिंह चिब व उपाध्यक्ष कृष्णा चिब ने कहा कि वर्ष 2000 में सहायता जारी की थी जिसे आज तक PRO जम्मू ने वितरित नहीं किया। रिफ्यूजियों को कृषि भूमि आवंटित करने का आश्वासन कैबिनेट आदेश नंबर 578/1954 के तहत दिया था लेकिन इस आदेश को भी सरकार ने पूरा नहीं किया है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट और कासों के तहत तमाम दुर्दांत शीर्ष आतंकी कमांडरों के खात्मे के बाद हाशिए पर आए आतंकवादी संगठनों ने अपनी रणनीति बदलते हुए जैश ए मोहम्मद को जम्मू संभाग आतंक फैलाने का जिम्मा दिया है। सूत्रों का कहना है कि किराए की सांसों पर जिंदा आतंकवाद को किसी भी तरह जीवित रखना वर्तमान में आतंकी संगठनों पाक सेना तथा पाक सरकार के लिए एक चुनौती बन गया है। यह थी हमारी खास खबरें, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।